Hey guys, this is Sarfe and welcome to my YouTube channel. तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं नॉमिनिक्लेचर कार्बन्स कंपाउंड का कैसे बनाते हैं, और जरा गौर फरमाइएगा, एक ऐसा नॉमिनिक्लेचर करने वाला है जो आप देखोगे तो वाकई में दंग रह जाओगे कि वो क्या है। गौर फरमाना, आप शायद ये जानते होइएगा, ये फिगर, इस फिगर के बारे में आप सभी रूबरू हो, वाकिफ हो, और आप कहोगे सर इसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं शुभ लाभ भी कहते हैं, और इसी को हम नाम से जानते हैं स्वास्तिक। अब कहोगे कि सर ये स्वास्तिक बनाया कि क्यों, तो इस स्वास्तिक का भी केमिस्ट्री में नाम है। लो कर लो बात, इस स्वास्तिक का भी केमिस्ट्री में नाम है। तो अब अगले दिन से करना क्या है कि भाई घर पे जाना और स्वास्तिक के बदले में नाम लिख देना इसका, है ना। कहोगे भाई इसका भी कुछ केमिस्ट्री में नाम होता है, तो क्या नाम होता है जरा गौर फरमाना। आप शायद बचपन से पढ़े होंगे कि कभी भी किसी भी कंपाउंड का जब हम नॉमिनिक्लेचर नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, स्ट्रेट चेन, मतलब लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन जानने के बाद हम जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो जरा गौर फरमाना, और ये भी हम लोग पढ़े थे कि जहां जहां कॉर्नर दिख रहा है वहां पे क्या है, कार्बन है। तो जरा गौर फरमाओ, यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, ये सारा का सारा क्या है, कार्बन है। और गौर फरमाना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे भी 5 आ रहा है, मतलब दोनों साइड से मेरे को कितना कार्बन आ रहा है, 5। तो पता क्या चला कि मेरे को पेरेंट चेन कौन होगा, पेंट होगा, क्लियर है। तो चलो अब हम किसी भी साइड से लेते हैं, मान लो कि हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका पेरेंट चेन हुआ। अब पेरेंट चेन हुआ तो जरा गौर फरमाओ, ये जो टर्म देख रहे हो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्या होगा, फिर देखो, और फिर ये बच गया सो ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो जरा गौर फरमाना इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कैसे पता लगाएंगे, यहां भी कार्बन है सी, यहां भी कार्बन है सी, तो जरा सोचो यहां पे एच कितना होगा, 1 2 3 4 3 होगा, यहां पे एच कितना होगा, 2। तो आप जरा बताओ इस दोनों को कंबाइंड फॉर्म में जब लिखोगे तो C2H5 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये इथाइल है, हाँ या ना, ये सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, इथाइल है। अब इसकी बात करो, यहां भी सी है तो एच आपका हो गया 3, यहां भी सी है एच कितना होगा, 2, तो ये क्या होगा बोलो तो, C2H5, यानी ये भी आपका हो गया इथाइल। तो पता क्या चला कि लॉन्गेस्ट चेन पहचाना, तो पता चला कि 5 कार्बन है, मतलब पेरेंट चेन कौन है, पेंट, और जो बच गया वो मेरे को क्या यहां पे, सब्स्टिट्यूएंट। तो जरा गौर फरमाइए यहां पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देख लेते हैं कि किस पोजीशन पे है। तो जरा गौर फरमाना, अगर मैं यहां से काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आप जरा देखिए, अगर मैं इधर से काउंट किया मैंने तो थर्ड पे आपका इथाइल है, और ये भी थर्ड पे ही इथाइल है कि फोर्थ पे है, अगर मैं इधर से काउंट कर रहा हूं तो इधर से भी थर्ड पे है और ये भी थर्ड पे है। तो आप इसका नाम जब लिखोगे तो पता क्या चलेगा, 3 फिर 3, इथाइल कितना है, 2 है, और 2 के लिए क्या बोलते हैं, डाई, तो 3 3 डाई इथाइल पेंटेन, हाँ या ना, बिल्कुल। तो स्वास्तिक का हमने यहां पर फिलहाल देखा, अगर इधर से काउंट किया तो 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। गौर फरमाना, अब इधर से काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5, तो अगर हम यहां से ऐसे काउंट कर रहे हैं तो पता हमें क्या चल रहा है कि दोनों साइड्स इधर से भी 3 पे इथाइल है और 3 पे इथाइल है। तो इधर से भी नाम लिखोगे तो क्या आएगा, 3 3 डाइथाइल पेंटेन। तो आप यहां पर जरा गौर फरमाइए, शॉर्टेस्ट रूट की तो बातें नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साइड से सेम पोजीशन है, इसलिए आप कह सकते हो कि स्वास्तिक का केमिस्ट्री में नाम होता है 3 3 डाइथाइल पेंटेन। नहीं बात पचा, 3 3 डाइथाइल पेंटेन किसका नाम है, स्वास्तिक का नाम है। और एक और बात,
जब आप इसको कंबाइन फॉर्म में आप करोगे ना, तो इसका नाम क्या कहोगे? सुनिएगा, सुनना सभी लोग। यहां पे कार्बन सी, यहां पे सी है ना, ऐसे देखो, इसको साइड में ले देता हूं, अच्छा रहेगा। देखिए देखिए, यहां पे आप जरा सोचिए, यहां कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां, मतलब जहां जहां कॉर्नर है वहां पे कार्बन होगा, राइट। अब देखो यहां पे एच कितना होगा? तीन। यहां पे एच कितना होगा? यहां पे एच कितना होगा? एक भी नहीं, क्योंकि वैलेंसी चार होता है, देख सकते हो। यहां पे एच कितना होगा? यहां पे एच, यहां पे एच, यहां पे एच, यहां पे एच, यहां पे एच। तो जरा सोचिए कि टोटल कार्बन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कार्बन है, तो मैं आराम से प्यार से शिद्दत से ली देते हैं C9। अब गौर फरमाओ एच कितना है? 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 3, 20। मतलब एच कितना हो गया? 20। तो आप याद करो, बचपन में आपने पढ़ा होगा C9H20 का नाम, इसका नाम आपने पढ़ा होगा नॉनेन, ये क्योंकि ये है आपका अल्केन ग्रुप का, कौन सा ग्रुप का? और अल्केन्स हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो ओवरऑल पता हमें क्या चला कि स्वास्तिक का केमिस्ट्री में नाम आप नॉनेन भी कह सकते हो, या आप पोजीशन के हिसाब से इसका नाम कह सकते हो 3,3-diethylpentane। क्या नाम होगा? 3,3-diethylpentane। कोई दिक्कत नहीं? तो समझे बात कि नहीं समझे? हाँ, तो ये स्वास्तिक का नाम होता है। और मैं आपको बता दूं और पते की बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद, अब यार मेरे को नहीं मालूम है, 1980 या 85 के आसपास IIT में ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द यूपेक नेम ऑफ स्वास्तिक, व्हाट इज द यूपेक नेम ऑफ स्वास्तिक, क्या है? 3,3-diethylpentane, 3,3-diethylpentane। बस मिला या नहीं? चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।